सो हेलो डिफेंस लवर, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बिकॉज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी दोस्तों आने वाली है। और दोस्तों ये कंफर्म डेट आपको बोल दूंगा कि वैकेंसी कब तक आएगी। दोस्तों ये जो है परफेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी दोस्तों एग्ज़ाम नोटिस भी जारी हो गई है, एग्ज़ाम डेट शेड्यूल हो चुकी है। नवंबर में आप लोग के एग्ज़ाम्स है, थर्ड फोर्थ वीक में आप लोग के एग्ज़ाम्स है, मिड ऑफ नवंबर आप लोग की जो है एग्ज़ाम डेट एन सी टी आउट हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे फेक चैनल्स हैं, फेक वीडियोस डालते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स दोस्तों लेके 1 मिलियन लोग सब्सक्राइबर्स लेके लोग जो है फेक फेक वीडियोस डाल देते हैं कि सर कोस्ट गार्ड की वैकेंसी सीधी भर्ती, बिना दौड़ की भर्ती निकल गई, ठीक है, बिना एग्ज़ाम की भर्ती। दोस्तों ऐसा कोई भर्ती नहीं होता जिसमें बिना दौड़ बिना एग्ज़ाम कुछ ना हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप लोग को लॉजिक लगाना चाहिए कि ऐसे भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी ज़्यादा धांधली चल रही है अपने इंडिया में। और दोस्तों मैं देखता हूँ कि दोस्तों बहुत सारे चैनल, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे रोज भर्तियां निकालते हैं। कोई कोस्ट गार्ड की भर्ती निकालता है, कोई नेवी की भर्ती निकालता है, कोई सीआरपीएफ जीडी की भर्ती निकाल देता है, कोई आरपीएफ की वैकेंसी निकाल देता है, कोई रेलवे ग्रुप डी की निकाल देता है, कोई असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाल देता है। मतलब कुछ भी दोस्तों, एक बनाने का एक हद होना चाहिए। वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाओ, बच्चों को गाइड करिए, लेकिन दोस्तों एक हद होना चाहिए कि कितना आपको फेंकना है, ठीक है। दोस्तों कहने की बात यह है कि प्रिडिक्शन करो, बट उतना ही करो जितना पॉसिबल है, जितना होने की संभावना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑफिशियली नोटिस है, हमारे पास आपके पास मैं दिखा देता हूँ, हमारा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है दोस्तों, हम आपको दिखा देंगे कि हमारे पास जो है मेल भी आया हुआ है, आपको हम मेल भी शो कर देंगे, ठीक है। मेल में टेंटेटिव डेट्स भी आ चुका है, और एक कैलेंडर दोस्तों हर बार का रिवाइज कैलेंडर जो होता है, ठीक है, वो कैलेंडर भी दोस्तों आपको हो सके तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को विश्वास हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। मैंने दोस्तों ये जो नया चैनल खोला है इस पर मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है दोस्तों, इसी तरह आप लोग मुझे रिस्पांस देते रहिए। आप लोग को मैं गाइड करने का काम हमेशा करते रहूँगा, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करते रहूँगा। जो वैकेंसीज की जो भी अपडेट रहेगी, जो भी आपको चीज़ें रहेंगी, वो आपको जेन्युइन चीज़ें आपको मैं देते रहूँगा। आप लोग मेरे पर भरोसा कर सकते हैं, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, आप लोग मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैं अपना लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज दोस्तों जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है जो कि मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं कर पाता, उसका मैं दोस्तों पीडीएफ हो या फिर जो भी मटेरियल उसकी होती है मैं आपको वो टेलीग्राम पर भेजते रहता हूँ। और साथ साथ दोस्तों एक डिस्कशन ग्रुप भी है, जहाँ पर आप लोग मुझे मान लीजिए कमेंट रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पर्सनली कोई बात सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों कहने का मतलब यही है कि बस आप लोगों को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग दिलाना मेरा एक मेन मोटिव है लाइफ का, ठीक है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। जो भी मैंने बातें कहा इस पर मुझे किसी से तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट आप लोगों को जो मिसगाइड करता है वो मुझे मिसगाइड करता है, क्योंकि आप हमारे हैं, ठीक है। आप और तुम, जो आप और मैं हूँ वो अलग नहीं है, अब हम हैं, ठीक है, साथ में रहेंगे। भर्ती से फॉर्म आने से लेकर भर्ती होने तक की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। किस में कम कंपटीशन है, किस में क्या है, मैं आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहूँगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि देखिए जो भी ICG का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कोस्ट गार्ड नाविक GD एंड DB एंड यांत्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके ठीक 10 से 15 दिन पहले आप लोग की असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आती है, गलत नहीं कह रहा हूँ, आप लोग पूरी पता कर लीजिएगा कभी भी, असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज आती है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हो गए, चाहे कोस्ट गार्ड नाविक GD DB यांत्रिक हो गए, चाहे अग्निवीर एयरफोर्स हो गए, चाहे अग्निवीर नेवी हो गए, चाहे अग्निवीर आर्मी हो गया, ये चारों पांचों एग्ज़ाम्स जो है दोस्तों ये मिला जुला के FCAT का भी एक एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स में, जो कि ऑफिसर एंट्रीज के लिए होती है, अपर ऑफिसर फ्लाइंग ब्रांच वगैरह, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में दोस्तों होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे एग्ज़ाम जो करवाता है CDEC करवाता है, जिसका आप लोग का हेड ऑफिस पुणे में है, ठीक है। तो दोस्तों CDEC जो है अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स जो है हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट के जहाँ पे प्रेफरेंस होता है वहाँ पे अपना अलॉटमेंट करता है, CDEC की अप्रूवल मिलती है। दोस्तों हमारे सेंटर पे भी CDEC की अप्रूवल हो चुकी है, और इसकी दोस्तों एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट जो है बोल सकते हैं टेंटेटिव डेट से ही रहता है, हालांकि एक आध दिन यहाँ वहाँ हफ्ता भर के बीच में गैप हो सकता है, बट नवंबर में आप लोग की एग्ज़ाम है। वैकेंसीज की बात करते हैं तो वैकेंसीज दोस्तों लमसम दोस्तों 297 के लमसम पोस्ट नाविक्स की है, और यांत्रिक की जो पोस्ट है वो लमसम जो रेगुलर जितने आते हैं उतने ही है जिसमें, और DB की 47 के लमसम पोस्ट है,
ठीक है। तो वैकेंसीज आएगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा, और बाकी दोस्तों इसके ऊपर बताऊंगा मैं आपको कुछ, आप लोग खुद देख लीजिएगा वैकेंसीज कब आएंगी उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको पहले मैं मेल दिखा दूंगा, उस मेल को आप लोग देख लीजिए, आप लोग को सेटिस्फाई हो जाइएगा, उसके बाद जो है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। अब दोस्तों ये जो मेल है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे मुझे मेरे पास आ गया था। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते क्या लिखा हुआ है कि मैडम डियर सर, जो कैरियर फोरसाइट दोस्तों होता है, मान लीजिए कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स जो है सीडेक करवाती है, बट दोस्तों सीडेक भी जो है वेंडर देती है, हर जगह पे अपना अपना एग्ज़ाम वेंडर जो होता है, जो कि आप लोग का सारी चीज़ें देखता है सेंटर पे, ठीक है। तो कैरियर फोरसाइट हो गया, डिलोंगो हो गया, बहुत सारे दोस्तों ऐसी तरह वेंडर, प्राइवेट वेंडर्स सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने मेल लिखा है कि इन्फॉर्म राइटिंग दिस मेल टू इन्फॉर्म यू अबाउट योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, वी आर शेयरिंग द टेंटेटिव मंथ वाइज एग्ज़ाम, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स दी हुई है, नेम ऑफ द एग्ज़ाम ICG 1/2024, जो वैकेंसी आप लोग की आने वाली है वो 1/2024 की है, जिसकी ज्वाइनिंग लमसम अप्रैल तक हो जाएगी, ठीक है। और 27 सितंबर को दोस्तों जो बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी POP होगी, यानी पासिंग आउट परेड होगा, और लमसम जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है आप लोग की न्यू बैच, जिसकी मेरिट वेटिंग है, जिसकी मेरिट आप लोग की वेटिंग है, उन लोगों का दोस्तों ज्वाइनिंग मतलब कि हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़, मेडिकल्स में दोस्तों कुछ थोड़े से चेंजेस आए हैं, चेंजेस इन अ सेंस कि आप लोगों की इनिशियल मेडिकल जो है अब हेडक्वार्टर नोएडा बुला रही है आपको, ठीक है। जो आप लोग का जो फाइनल मेडिकल जो होता है वो चिल्का में तो हो ही करता है, लेकिन दोस्तों इसके पहले इनिशियल मेडिकल जो होता है वो आप लोग को हेडक्वार्टर आप लोग को बुला रहे हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को देखने की बात ये है यहाँ पे कि 24 नवंबर बफर डे, बफर डे यानी इस दिन से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और 16 से 23 नवंबर दोस्तों आप लोग की जो है ये आप लोग सोचते हैं कि मॉक एंड एग्ज़ाम डेट्स, दोस्तों ये जो मॉक एंड एग्ज़ाम डेट्स है वो आप लोगों के लिए नहीं है, जो मॉक जो मतलब कि जो ट्रायल्स चलते हैं, 4 दिन आप लोग के एग्ज़ाम्स के ट्रायल चलते हैं, 4-5 दिन, कि कोई दिक्कत तो नहीं है वेबसाइट वगैरह, मतलब सर्वर वगैरह कुछ हैंग तो नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट स्पीड वगैरह चेक करते हैं, IP मैक बहुत सारे दोस्तों टेक्निकल चीज़ होती है वो चेक करते हैं 4-5 दिनों में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो है मेल है बिल्कुल भी 100% सही है, ठीक है। और ये जो टेस्ट सेंटर है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, इनको दोस्तों ये मेल आ चुका होगा, आप लोग भी अगर कॉन्टेक्ट में होगा तो आप लोग पता कर लीजिएगा, ये मेल आप लोग के आ चुके हैं एग्ज़ाम्स के। इसका मतलब कि 100 की सीधी बात है कि है ये है कि आप लोग के एग्ज़ाम्स का डेट हो गया है, वैकेंसी की कोई आता पता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं वैकेंसी कब आएगी। सो दोस्तों वैकेंसी के लिए आप लोगों का वेट ख़त्म हो चुका है, अभी चल रहा है अगस्त के लास्ट वीक, यानी कि लमसम आप ये बोल सकते हैं कि 25th के बाद लमसम जो है आप लोग की एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आता है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है आप लोग की नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे यहाँ पे नोटिस वगैरह में आ जाएगी, ठीक, नोटिस में आप लोग की वैकेंसी आ जाएगी। बट फॉर्म फिलिंग ऑन द स्पॉट उसी दिन से शुरू नहीं होगा, फॉर्म फिलिंग जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से, ये दोस्तों डेट कंफर्म है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आप लोग की फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, चाहे वो 2 से हो चाहे वो 7 से हो, लमसम फर्स्ट वीक से कंफर्म दोस्तों आप लोग की जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म आप लोग की ऑलमोस्ट आ चुकी है। अगर आप लोग नेवी से थोड़े बहुत निराश हैं, नेवी में आप लोग का मन नहीं, तो एक बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए कोस्ट गार्ड है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत नहीं अगर पढ़ने में ठीक ठाक है, और तुक्का अगर आप लोग का ठीक ठाक लग जाता है, कोस्ट गार्ड में नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि मेडिकल का दोस्तों जो आया हुआ है कि जो हेडक्वार्टर बुलाया गया है, दोस्तों कोई भी चीज़ में इसे हवा में बात नहीं करता हूँ, मेरे पास सब प्रूफ है, अगर मैं सब कुछ दिखाने लगूँ तो मुझे मेरे चैनल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें प्राइवेसी की भी होती है, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो मेल, ठीक है, जिस मेल पे कंडक्ट ऑफ इनिशियल मेडिकल 2/2023 बैच डायरेक्टरेट जनरल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट जो भी आप लोग को आया है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिया है कैंडिडेट यू है प्रोविजनली क्वालिफाइड इन CGPT 2023 बैच ड्यूरिंग फर्दर स्क्रूटिनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, यू हैव टू रिपोर्ट एट फॉलोइंग एड्रेस ऑन 24th August।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टरेट को ऑफ रिक्रूटमेंट इंडियन कोस्ट गार्ड दोस्तों जो नोएडा में है सी ब्लॉक इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे दोस्तों कॉल किया गया और रिक्वेस्टेड टू जो आप लोग को ईमेल का जो रिक्वेस्ट जो है जो कि विलिंगनेस आपको डालना है सर्टिफिकेट जो कि 16 अगस्त तक आपको सबमिट करना है दोस्तों। ये जो मेल अगर आप लोग ने भी एग्जाम्स क्वालिफाई किया है फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आप लोग का मेल आप लोग को गया होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए बोलता हूँ कि जिस बंदे को खुद को पता नहीं है कि वैकेंसीज क्या होती है उसको अगर आप कोई पूछ देंगे कि नाविक जीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, जिसको ये नहीं पता कि आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो दोस्तों बिना दौड़ की भर्तियां निकाल रहा है, बिना एग्जाम्स की भर्तियां निकाल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप लोग ऐसे बंदे पर ट्रस्ट करिए जो बंदा खुद जिसको सारे चीज़ें पता है, ठीक है। जैसे कि मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा, बट दोस्तों एक बात बता दूँ कि मुझे ऑलमोस्ट बहुत पुराना एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें का, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, डिस्कशन ग्रुप से आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। अगर नहीं मैंने ज्वाइन करने का आपको है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन आपके लोग के लिए खाली छोड़ दिया गया है, आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई देने का जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के आप लोग के लिए। और शेयर करिए उन दोस्तों को जो लोग भी आईसीजी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर पुराने हैं तो बस इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।